हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज गांधी जयंती है और आज हम जानेंगे हमारा पूजनीय बापू के कुछ अनमोल वाणी। तो आइए हम चलते हैं और जानते हैं गांधी जी के कुछ अमूल्य वाणी जो कि हमारा भारत की इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध होके रहेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सीता राम जय सीता राम, भज प्यारे तू सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी का डिटर्मिनेशन बहुत था। वो जो सोचते थे, जो ठान लेते थे, वो करके दिखाते थे। सत्य बिना जनसमर्थन को भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। गांधी जी बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर होते थे। यहाँ तक कि वो अपने घर के साफ सफाई और बाथरूम तक के साफ सफाई खुद अपने हाथों से करते थे। अपनी बुराई हमेशा सुनो और अपनी तारीफ कभी ना सुनो। हाँ तो दोस्तों, गांधी जी अपना तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे। आप खुद के बदलाव बनिए, जो आप दुनिया से दिखाना चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा की नीति दुनिया में लोकप्रिय है। कोई भी चीज को वो पहले खुद अपनाना चाहते थे। सुबह उठकर आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, मैं अन्याय के पक्ष में नहीं झुकूंगा, मैं झूठ को सच से जीतूंगा, झूठ का विरोध करके सभी कष्ट सह सकूं। यह 5 बातें आप अपने अंदर अपनाइए। गांधी जी के बहुत अहम वाणी ये है। देखिए क्या है,
पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। गांधी जी ये बातें आम जनता के लिए कहें, यदि व्यक्ति सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल उसे शिक्षा दी सकती है। मेरा जीवन, मेरा संदेश है, खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाई हुई धन के बराबर होता है। पाप से घृणा करो पर पापी से नहीं। क्षमादान बहुत मूल्यवान चीज है। जिस दिन मैं एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उसी दिन से हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता हासिल कर ली है। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए और इस पर भरोसा रखना चाहिए। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। हाँ तो दोस्तों, मतलब जीवन में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और यही गांधी जी की अहम नीति थी और वाणी भी थी। पृथ्वी सभी मनुष्य की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। हाँ तो दोस्तों, हमको ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यही हमारा मोटो होना चाहिए। व्यक्ति जो सोचता है वही बन जाता है। हाँ दोस्तों, हम जो सोचते हैं और ऐसे हम काम भी करते हैं और आखिर हम वही बन जाते हैं। तो हमको अच्छा सोच विचार रखना चाहिए, यही महात्मा गांधी की अमूल्य वाणी है। वक्त दिखाई नहीं देता पर दिखा बहुत कुछ देता है। हाँ तो दोस्तों, हम वक्त को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वक्त के बदलाव को हम देख सकते हैं। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादियों को बरकरार रखते की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। एक राष्ट्र की संस्कृति लोगों के दिल में और आत्मा में बसती है। जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो। हाँ तो दोस्तों, हमने अपनी जीवन का लक्ष्य
तय करना चाहिए और उसमें डट के बड़े रहना चाहिए। यही गांधी जी की अमूल्य वाणी थी। गरीब अभिशाप नहीं बल्कि मानव रचित षड्यंत्र है। हाँ तो दोस्तों, गरीब मतलब गरीबी मानव रचित षड्यंत्र है जो अरबों में खेलते हैं। वो गरीबों को लूटते हैं और झूठ मूठ के गरीबी को बढ़ावा देते हैं। दुनिया के सभी धर्म भले ही और चीज़ों में अंतर रखते ही, लेकिन सभी उस बात पर एकमत है कि दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित रहता है। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हो। जब मैं ढलती हुई सूरज की सुंदरता और उगते चांद की चमक को देखता हूँ तो मेरी आत्मा में उस ईश्वर के लिए भक्ति और बढ़ जाती है। ये दोस्तों महात्मा गांधी के प्रकृति के प्रति प्रेम को इशारा करता है। अपने काम में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य तक को भी बदल सकता है। आहार संतुलित और विवेकपूर्ण हो तो शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता है। गांधी जी हमको खान पान के तरीके के बारे में भी सिखाए हैं और हम इससे कुछ सीख लेना चाहिए। मतलब हमारा जो आहार है, जो हम खाते हैं, ये मतलब पैलेटेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, तो हमको कभी कुछ रोग हो ही नहीं सकता। तभी बोलो सब वो मौन से बेहतर हो। महात्मा गांधी मौन यानी कि चुप रहने की पक्ष में थे और वो मौन व्रत भी रखते थे और बेकार के बात में दूसरों को उलझा रखना उनका नीति नहीं थे। तो उनका कहना है कि जब मतलब बहुत ही ज़रूरत पड़े तब जाके आदमी को बोलना चाहिए। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। ऐसे दोस्तों पहले गांधी जी को सब इग्नोर करते थे। जब वो बिलात में बारिशी के पढ़ने गए, वहाँ उनको सब इग्नोर किए। ये क्या एक फकीर आ गया वो दिए। हाँ, फिर उनको हंसने लगे। यहाँ तक कि वहाँ जो सैलून में उनका बाल भी वो लोग नहीं काटे तो वो खुद अपना बाल काटे और बहुत बेढंग ढंग से वो अपना बाल काटे तो उनको हंसने लगे। देन दे फाइट यू, और वो लोग फिर गुस्सा होके उनके साथ फाइट करने लगे। फाइट का मतलब बताखानी करने लगे, उनको डिसलाइक करने लगे, उनको चिढ़ाने लगे। लेकिन बाद में उनको हथियार डालना पड़ा। देन यू विन, और
महात्मा गांधी जीत गए। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है। ये तो बहुत ही बड़े बात है, महात्मा गांधी ने बोले, क्योंकि वो कपड़े बहुत कम पहनते थे। उसने कभी कमीज नहीं पहना, कभी एक साठ नहीं पहना, और ऐसे ही एक ही वस्त्र में वो रहते थे। वो उनका सिंप्लिसिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आज हमने महात्मा गांधी के अनमोल उपदेश को जाने, तो आज बस इतना ही। तो ऐसे जानकारी पाने के लिए मेरा नॉलेज एनहेंसिंग चैनल राज बायोस्कोप को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आगे ऐसे ही सनसनी जानकारी पाते रहिए। तो आज बस इतना ही, अलविदा। फिर अगले एपिसोड में कुछ एक इंटरेस्टिंग बात को लेके मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मैं आरके सड़ंगी को इजाज़त दीजिए। अलविदा, शुक्रिया।